विनती करती हूँ कि मुशरिफ सर से कि वो अपनी बात रखें। मित्रों, आजच्या कार्यक्रमाची तयारी मी मानसिकदृष्ट्या मेंटली मराठीमध्ये केली होती, पण बाहेरच्या राज्यातून आले अनेक पाहुणे आपल्याकडे आले आहेत जे मराठी जाणत नाही। विशेषतः आपले ज्या प्रमुख गेस्ट आहेत अरुंधती रायजी, त्यांनी विनंती केली की मग हिंदीत बोललं तर जास्त चांगलं होईल, तर मी माझं भाषण हिंदीत करायचा प्रयत्न करतो, कारण एकदा मेंटली एका भाषेत तयारी झाल्यानंतर दुसऱ्या भाषेत स्विच करणं थोडं अवघड असतं, पण तरीसुद्धा मी प्रयत्न करेन। तर काही चुका झाल्या तरी आपण थोडं दुर्लक्ष करावं। इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित स्टेज पर जो मौजूद हैं, मैं अरुंधति रॉय जी, जस्टिस कोलसे पाटिल जी, सत्यपामा सूर्यवंशी, अभिदा तड़वी जी, बंत सिंह जी जो पंजाब से आए हैं, प्रशांत कनौजिया जो अपने साथ थे लेकिन अभी उनकी फ्लाइट है इसलिए चले गए, शर्जिल उस्मानी, आयशा जी, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की वो हर्षाली पोद्दार और उनके साथी कबीर कला मंच के कलाकार, अभी आपके सामने जो परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया वो तमिलनाडु के कलाकार, और भाइयों और बहनों, हम जब बोलते हैं एल्गार, एल्गार का मतलब अभी शर्बिन उस्मानी जी ने बताया कि ये जंग की जंग का ऐलान है, युद्धाचे अपन आवाहन युद्धासाठी दिला है, कुणाला आवाहन है, एक जंग किसके साथ है, इसके बारे में अपनी बहुत क्लैरिटी चाहिए, उसे किसी भी तरह दूसरे तरह से या उसे उसकी जो इंटेंसिटी है उसे कम करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो अपना जंग है, ये जो विषमतावादी ब्राह्मणी व्यवस्था अपने सर पे 3000 साल से हावी हुई है उसके खिलाफ उन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि यहाँ से हम 1917 में जो 2017 में जो बड़ा एल्गार हो गया, उसके बाद उन्होंने ऐसी कुछ कार्रवाई शुरू की और मानो उन्होंने हमें चैलेंज दे दिया कि आप फिर से कर दिखाए। हमने वो चैलेंज आज एक्सेप्ट किया है, उसका स्वीकार किया है और हम वहाँ आज सामने हमें ये कैसा एल्गार या ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ जो जंग हुआ, जो मीटिंग हुई, जो रैलीज हुए, ये पहली बार नहीं हुए। स्वातंत्र मिलने के बाद और उसके पहले भी कई बार ऐसे काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन ये ब्राह्मणी व्यवस्था है उसने उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया, उसे वो हंसकर टालते थे। उनको लगता था कि जो भी कुछ एक संगठन है उसके एक नेता सिर्फ कुछ पॉलिटिकल रीज़न के लिए कर रहे हैं, यहाँ उनके में कंटिन्यूटी नहीं है, सातत्य नहीं है,
इसलिए उसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब दिसंबर 2017 में एक एल्गार हो गया, उससे सब ब्राह्मण व्यवस्था भारत की, देश की सब ब्राह्मणी व्यवस्था हिल गई। ब्राह्मणी व्यवस्था हिल गई या ब्राह्मणी व्यवस्था पर उसका क्या असर हो गया, इसको अगर आप टेस्ट करना है तो एक ही देखें कि जो आईबी करके अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, उस पर क्या असर होता है, उससे हम पता चलते हैं कि उसका असर हुआ है क्या नहीं। तो ये एल्गार परिषद होने के बाद जब आईबी को पता, आईबी का मैं नाम इसलिए लेता हूँ, आईबी को ही हम टेस्ट करने के लिए क्यों चुनते हैं, तो आईबी एक ऐसी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे ब्राह्मणवादियों ने जिसपे पूरा तरह कब्जा किया है और वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादियों की संगठन है और वो ब्राह्मणवादियों को हर तरह का मार्गदर्शन करती है, गाइडेंस देती है। और जब उसे लगा कि जब उनको पता चला कि एल्गार परिषद पुणे में हो गई तो इसका असर इतना अच्छा था कि आईबी के लोग वहाँ हिल गए और उन्होंने वहीं से उसकी एफआईआर बना के एक हफ्ते के बाद यहाँ वो ऑफेंस रजिस्टर करवा दिया पुणे में आके। इतना उनको उसका असर हुआ। अगर तो जब अगर एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में ऐसा क्या था कि ये लोग इतने डर गए? एफआईआर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। एफआईआर मैंने पूरी पढ़ ली तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें दो चार चीज़ें हैं कि उसे उन्होंने सीरियसली ले लिया। उसमें कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ मराठी थे, कुछ हिंदी थे। एक सेंटेंसेस ऐसी थी कि भीमा कोरेगांव ने दिला धड़ा नवी पेशवाई मसनात राडा, उसका ये पहला एक सेंटेंस था कि उसका हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैडम उसका मीनिंग ऐसा है कि भीमा कोरेगांव टॉट अ लेसन, नाउ वी शुड बरी दिस घोस्ट, या बरी दिस घोस्ट ऑफ न्यू पेशवाई, समथिंग लाइक दैट। दूसरा था नवी पेशवाई आली रे चाला चाला गरज ठोकेची रे, नई पेशवाई आई है तो उसे ठोका देना चाहिए, उसे दंडा देना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था कि इस नई पेशवाई को कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। तो ये दो तीन ही सेंटेंसेस थे कि उसके पर से ऑफेंस रजिस्टर करवाया गया। अभी नई पेशवाई वो जिसे बोलते थे, नई पेशवाई का मतलब था कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिस्ट व्यवस्था अलग रूप में आई है, अलग फॉर्म में आई है, तो उसे वो नई पेशवाई बोलते थे। मैंने ब्राह्मण व्यवस्था पर क्रिटिसिज्म जो किया उसके लिए ऑफेंस रजिस्टर हो गया, और ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसलिए गलत है कि ब्राह्मणवाद पर अगर आप टीका करेंगे और उसके लिए अगर ऑफेंस रजिस्टर होना है तो पहले ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले पर, फिर ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर। उन्होंने जिंदगी भर इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा, बोला और उसके बारे में उन्होंने कार्य भी किया। तो और ये जो उनका लिटरेचर है
डॉक्टर फुले का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पूरा उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा है, ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ लिखा है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पब्लिश करती है। उन्होंने समग्र पूरे समग्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे उनके कंसोलिडेटेड लिटरेचर उनका उन्होंने पब्लिश किया है। अगर गवर्नमेंट उनका लिटरेचर पब्लिश करती है कि जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्राह्मण जाति के खिलाफ है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, और ये लोग भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही बोल रहे थे, तो जो ऑफेंस रजिस्टर किया वो बिल्कुल गलत था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने इमीडिएटली दूसरे तीसरे दिन ये ऑफेंस रजिस्टर हो गया दिल्ली में, पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया ईडी ने, और पूना में आके उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की कि ऑफेंस पूना के पुलिस ने रजिस्टर किया है और पूना के पुलिस ही उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये पूरा गलत था। तो उन्होंने सुधीर ढोड़े, रोना विल्सन, एडवोकेट गडलिंग और काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत बुजुर्ग लोग, वीर रामाराव जैसे लोग, स्टैन फादर, फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग, इनको भी अरेस्ट किया, और उन्होंने कोर्ट के सामने इतनी कोशिश की कि उन्हें जमानत भी नहीं मिली। तो दो दो ढाई ढाई साल से लोग, दो साल से तीन साल से लोग जेल में हैं, उनको जमानत भी नहीं मिल रही। तो इनको ये बताना है कि अगर फिर से अगर ऐसा किसी ने कोशिश की तो यही उनकी हालत होगी, ये बताने के लिए उन्होंने किया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है और हम ये लेंगे और हर साल लेते रहेंगे अलगाव पर। तो ऐसा क्या था ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ हम इतने अगेंस्ट क्यों हैं, उसके खिलाफ क्यों हैं? तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था 3000 साल से अपने साथ है, अपने सर पर बैठी है, और 3000 साल से उन्होंने स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ के नाम से, उन्होंने धर्म ग्रंथ ब्राह्मण लोगों ने लिखे लेकिन वो ईश्वर ने लिखे ऐसा उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। और ये जो जाति व्यवस्था है ये ईश्वर निर्मित है, ईश्वर ने पैदा किया है, क्यों? क्योंकि ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, ऐसा बोल के वो जाति व्यवस्था को चालू रखने की उन्होंने कोशिश की। इस जाति व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मण जाति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति थी, और बाकी जो जातियाँ थी का मतलब मैं थी भी नहीं बोलता है, और बाकी जातियाँ उनकी सेवा करने के लिए हैं, और उनको जो भी रोल दिया है, जो भी काम दिया है उतना ही उन्हें करना है। इसके मुताबिक ब्राह्मण छोड़ के दूसरों लोगों को शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था, धन संचय करने का भी अधिकार नहीं था, व्यापक यानी कोई कमर्शियल कोई बिजनेस करने का अधिकार नहीं था। तो पूरी तरह से एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली उनको बैकवर्ड रखने के लिए जानबूझ के कोशिश की गई। अगर ये जाति व्यवस्था रखने में उनका मतलब ये था कि व्यवस्था ऐसी रहे और बाकी की जनता पिछड़ी ही रहे। तो ये सब जो ब्राह्मण के जो लीडर्स थे ये शुरू से आज तक ये कोशिश करते आ रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था ऐसी ही बनी रहे। आप पुरानी बातों तो छोड़ दो 2000-3000 साल की, लेकिन 19वीं सदी या 20वीं सदी में भी बड़े बड़े नेता इसके कोशिश करते थे कि ये जात बनी रहे। आपको पता होगा कि पहले इनको एजुकेशन का या शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था,
पहली बार इनको शिक्षा देने का काम वो भी महात्मा फुले के कहने पर। महात्मा फुले ने काम क्या किया मैं बाद में बताऊंगा। ब्रिटिशों ने शुरू किया, ब्रिटिशों ने पहली बार अछूतों को जो अस्पृश्य थे उनको शिक्षा देना शुरू किया। तो जब ये शुरू किया तो पुणे के बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोग गलती से लोकमान्य तिलक बोलते हैं, उन्होंने उनके दो नोट न्यूज पेपर निकल गए थे, एक मराठी में केसरी निकलता था और एक इंग्लिश में मराठा नाम का निकलता था। मराठा नाम का जो निकलता था इंग्लिश में निकलता था। तो अछूतों को स्पेशली महार लोगों को जब स्कूल में एडमिशन देना शुरू किया ब्रिटिशों ने, तो उन्होंने मराठा में एक एडिटोरियल लिखा, संपादकीय लिखी, उसका टाइटल था महार बॉयज इन गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ महार लड़के गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे, ऐसा उसका टाइटल था। और उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि भाई जब रानी ने डिक्लेरेशन दिया, उनके क्वीन ने, रानी का जाहिरनामा आपने सुना होगा, ब्रिटिश के रानी ने 1860 में शायद एक डिक्लेरेशन दिया, उसमें उन्होंने लिखा था इंडियन लोगों को एड्रेस करके ऐसा लिखा था कि हम तुम्हारे धार्मिक भाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, रिलीजियस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तिलक ने फिर लिखा अपने अग्रलेख में, रानी ने तो हमने बोला है कि वो हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी, और यहाँ तो वो महार लोगों को या अछूत लोगों को स्कूल में भेज जाने की परमिशन दे रही है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है। यानी तिलक भी मानते थे कि अछूतों को शिक्षा लेना ये धर्म के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये अगर किसी रेफरेंस चाहिए होगा तो मराठा का जो इश्यू है, अंक है, उसका डेट लिख दीजिए, 26 मार्च 1882, 26 मार्च 1882 क्या मराठी में त्याने मराठा मध्ये त्याने हा अग्रलेख लिहिला। दूसरा एक अग्रलेख उन्होंने लिखा था कि जो बाकी जाति के लोग थे, अछूत छोड़ के बाकी हिंदू थे, उनको सिर्फ प्राथमिक एजुकेशन ले सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हैं, अंग्रेजी एजुकेशन नहीं लिख सकते। 15 मई 1881 के मराठा में उन्होंने लिखा था कि अगर आप उनको एजुकेशन देने लगेंगे तो उनका जो बाप जादों का जो बिजनेस है वो नहीं कर पाएंगे, वो अंग्रेजी सीखेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आपके ही पीछे लगेंगे गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए, तो उनको आप अंग्रेजी शिक्षा मत दीजिए। महिलाओं को शिक्षण देने के खिलाफ भी वो बिल्कुल खिलाफ थे, और महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो सेल्फ विल्ड हो जाएंगे और वो अपना जो धर्म है वो धर्म को नहीं मानेंगे। इसके बारे में उन्होंने एक अग्रलेख लिखा था। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती थी और वो रखा गया, आखिर तक रख रहे थे। तो इस व्यवस्था को तोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कुछ सोशल रिफॉर्मर मिडिल इंडिया में या 1800, 1700, 1900 में कुछ सोशल रिफॉर्मर जरूर आए, लेकिन वो रिफॉर्मर्स जो आए उन्होंने ये जो चौकट थी जाति की उसे तोड़ने की नहीं कोशिश की। उसी फ्रेम में, उसी व्यवस्था में रह के उसे सुधारने की उन्होंने कोशिश की। महात्मा ज्योतिराव फुले पहले सोशल रिफॉर्मर हैं कि उन्होंने एक जाति की व्यवस्था को, जिसकी जो चौकट थी उसे तोड़ डाला, और उन्होंने कई किताबें लिखी, कई गाने लिखे, कई पवाड़े जिसे मराठी में बोलते हैं वो लिखे।
उनके फेमस जो बुक हैं, एक है गुलामगिरी, दूसरा है ब्राह्मणाचे कसब और तीसरा है शेतकऱ्याचा असूर। कम से कम ये तीन बुक हर जो ये मूवमेंट में काम करते हैं उन्होंने पढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इन बुक्स में उन्होंने ये बता दिया। और ये लोग क्या बोलते थे, जब सब पूरी जनता पिछड़ी रहने लगी, उनको एजुकेशन नहीं था, उनके पास धन संचय नहीं था, उनके पास कुछ कॉमर्स या कुछ व्यापार करने का उनको अधिकार नहीं था, तो पूरी जनता पिछड़ी रहने लगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते थे कि पिछले जन्म में आपने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है और उसका प्रायश्चित आप भोग रहे हैं। और जैसा भी धर्म ग्रंथ में बताया है उसी प्रकार आप ये जाति व्यवस्था का पालन करेंगे तो दूसरे जन्म में आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी, ऐसा उन्हें बताते थे। महात्मा फुले जी ने उनको बताना शुरू किया कि ये सब गलत है, जाति व्यवस्था ईश्वर निर्मित नहीं है, जाति व्यवस्था ये ब्राह्मणों ने तैयार की है, उनके खुद के स्वार्थ के लिए तैयार की है। और ये जो बताते हैं कि पीछे जन्म का तुम्हारा पाप है, इसके लिए आपको ये आत्मा आपको ये तकलीफ हो रही है, आप पिछड़े रह रहे हैं, तो ये गलत है। आपके पिछड़ेपन को या आपको जो भी कुछ है इस जमाने में या इस लाइफ में तकलीफ है, उसके लिए ये ब्राह्मण ही कारण है। जब ऐसा वो बोलने लगे तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ बुक्स लिख के चुप नहीं रहे, वो हर जगह जाके लेक्चर देते, गाने गाते, उसके पुआड़े गाते और कुछ स्टेज परफॉर्मेंस भी करते। जो स्टेज परफॉर्मेंस का नाम था छत्रपति मेला, तो छत्रपति मेले इतने पॉपुलर हो गए कि गांव-गांव में उसका स्वागत होने लगा। और पहली बार बहुजन हिंदू को या दलितों को समझ में आया कि ये सब जानबूझ के ब्राह्मणों ने क्रिएट किया है। हम जो हजारों साल से पिछड़े रहे हैं, हमारे कितने पीढ़ियां जो पिछड़ी रही हैं, उसके लिए ये ब्राह्मण कारणीभूत हैं। तो इसलिए इन लोगों में बहुत गुस्सा आने लगा। जब ब्राह्मणों ने देखा कि इनको ये लोग सब गुस्से में आ गए, उनको सब समझ में आया है, तो लगे कि ये कभी ना कभी हमारे पर रिवेंज लेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं, इसका उन्हें डर लगने लगा। और जो ग्रामीण भाग में या विलेजेस में जो ब्राह्मण्स थे वो वहाँ से भाग के शहरों में जाने लगे और वहाँ जाके वो अपना नाम चेंज करके जोशी कुलकर्णी देशपांडे वैसे जो नाम थे वो बदल के कोई कराड़ कर रखता, कोई अवलेप कर रखता, जो अपने गांव के नाम हैं कोई रावेत कर रखता, ऐसे गांव के नाम रखने लगे और शहरों में आने लगे। ज़्यादातर लोग पुणे में आ गए और पुणे के लोगों ने उनको पनाह दी और पुणे में उनकी मीटिंग होने लगी कि ये लोगों को तो सब अभी समझ चुका है, आगे चलकर ये उसका ज़रूर बदला लेंगे। उनको ये मालूम था कि उस वक़्त फ्रीडम मूवमेंट कुछ नहीं थी, लेकिन सबको पता था कि ब्रिटिश आज ना कल जाएंगे, तो इनको लगने लगा कि कल ब्रिटिश चले जाएंगे तो दलित और बहुजनों के हाथ में पूरा सत्ता आ जाएगी और वो हमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा डरने लगने लगा। तो इससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आया। तो इसके बड़ी मुसीबत से कैसे बाहर निकले इसके बारे में उनके मीटिंग पर मीटिंग होने लगे। और बहुत सारी मीटिंग के बाद वो ये नतीजे पर आए कि अगर ये बहुजनों को हमारी जो भी कार्रवाई, हमने जो भी उनको बुरा किया है उससे उनको उनका ध्यान हटवाना होगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। फिर एक बड़े ब्राह्मण नेता ने उनको बताया कि एक ही रास्ता है,
जिससे हम उनका ध्यान हटा सकते हैं वो ये है कि इनको मुसलमान के पीछे लगा दें। और ये बात है 1892 की, 1892 की, 1892 में उन्होंने फैसला किया कि अगर अपने को ब्राह्मणों को बहुजनों से बचना है तो उनको मुसलमान के पीछे लगा लेना चाहिए। तो 1892 में ही सार्वजनिक गणेशोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। तो उसके दूसरे ही साल 1893 में बॉम्बे में एक बड़ी छोटी घटना हो गई गणपति के दरम्यान और एक छोटा रायट हो गया। पुना में केसरी के तिलक ने केसरी में उसकी इतनी भड़क न्यूज़ दे दी और रिपीटेडली दे दी कि कुछ ही दिन बाद पुना में बहुत बड़ा रायट हो गया। तो मैं उसे पहला प्लान रायट, नियोजनबद्ध रायट बोलता हूँ कि जो जानबूझ के सोच समझ कर रायट किया गया हिंदू मुस्लिम रायट। और वो जो आज तक जो चालू है, वो जो श्रृंखला हिंदू मुस्लिम रायट की जो शुरू हुई वो आज तक शुरू है। उस रायट में कई मुस्लिम मारे गए और बहुत बार नुकसान ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद उनको ऐसा पता चला कि जितनी भी रायट, जब भी रायट होती है तो ये बहुजन ब्राह्मण के पीछे आने लगते हैं, तो उनको उसका फायदा होने लगा। तो उन्होंने जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा रायट शुरू करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि पहले रायट नहीं होते थे, 1892 के पहले भी रायट होते थे, लेकिन वो रायट ऐसे प्लान नहीं थे, वो अचानक सडनली कुछ कारणवश होते थे और उसी जगह पर वो एक दो दिन में मिट जाते थे, वो फैलते नहीं थे। लेकिन 1892 के बाद भी उन्होंने रायट शुरू किए, वो प्लान थे, जानबूझ के थे और उसका प्रोपोगंडा इतना किया जाता था कि वो फैलते थे। उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने ये जो उनको ऐसा लगा कि ये जादू की एक छप्पी है, जादू की पोटड़ी मिलने जैसा उनको फायदा हुआ, वो आगे चलकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने लगे। जब इधर गांधी जी का फ्रीडम मूवमेंट चला था तो ब्राह्मणवादियों ने उधर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और उस आरएसएस की शाखाओं के थ्रू वो मुस्लिमों के खिलाफ जहर बोलने लगे, खोटा इतिहास बताने लगे, हाँ कि ताला हाँ कि जिससे हिंदू मुस्लिम रायट हो सके। और ऐसे रायट होते आए, बाद में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद में तो उनको लगा कि ये तो सबसे अच्छा ये हो गया, उनको सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा मिला होगा, तो पार्टीशन मिला, पाकिस्तान हुआ और फिर पाकिस्तान के नाम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम रायट शुरू किए। फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हुआ और उनके बाद एक ध्यान में आ गई कि जब हिंदू मुस्लिम रायट होते हैं तो सिर्फ बहुजन का ध्यान ब्राह्मणों के तरफ से हटता नहीं, तो बहुजन के जो युवक हैं वो ब्राह्मणों के पीछे आने लगते हैं और उसका उनको पॉलिटिकली फायदा होने लगा। तो उससे उन्होंने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि ये इशू निकाला, उसका इनको इतना फायदा हो गया, देश भर में दंगे हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा हो गया। और जो पार्टी के लोकसभा में सिर्फ दो खासदार थे उन्होंने थोड़ी ही देर में, कुछ ही दिनों में केंद्र में सत्ता प्रस्थापित की, कुछ राज्यों में भी सत्ता ले ली और वो पावरफुल बन गए और आज भी वो वही काम उनका शुरू है। और जो 1893 में
उनको जो नुकसान मिला उसी का फायदा करके आज वो अपना राज बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में 2002 का गुजरात राइट हो गया। गुजरात राइट के बाद इंडिया की पूरे दुनिया में बदनामी हो गई। हिंदुस्तान के बाकी जो लोग थे, जो सेक्युलर टाइप लोग थे, वो भी सोचने लगे कि ये बहुत ज़्यादती हो गई, हो रही है मुस्लिमों पर। तो मुस्लिमों को थोड़ी सहानुभूति मिलने लगी। तो ये सहानुभूति मुस्लिमों की टालने के लिए उन्होंने फिर मुस्लिमों को टेररिस्ट बनाना शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने 2003 में अभिनव भारत नाम की एक संस्था निकाली। अभिनव भारत दूसरा तीसरा कुछ नहीं था, अभिनव भारत आरएसके के जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी थे उनका ही एक गुट था। उन्होंने उसमें लेफ्टिनेंट जनरल पुरोहित करके थे, वो पुरोहित आर्मी में इंटेलिजेंस में थे, वो वहाँ से आईडीएफ चुरा के लाते। फिर देश में जगह जगह वो जो भी ब्राह्मण्यवादी गट हैं उनके नौजवानों को एक शॉर्ट टर्म कोर्स में ट्रेनिंग देते बम बनाने का, और वो ट्रेनिंग के बाद उनको आईडीएस भी देते और वो जाके बम बनाने धमाके करने शुरू करते हैं। और हर धमाके के बाद जो आईबी है वो गलत इन्फॉर्मेशन देती कि ये धमाका मुस्लिमों ने किया है। और जो हर स्टेट में जो स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड हैं वो इनके ही बगल बच्चे थे हैं आईबी के, वो आईबी के कहने के मुताबिक कुछ मुस्लिमों को अरेस्ट करते, उनके ऊपर चार्जशीट भेज देते और एक धमाका होता है नहीं तब तक दूसरा धमाका हो जाता। और ऐसे कम से कम 10-20 धमाके हो गए और ऐसा माहौल बन गया कि ये सब धमाके मुस्लिम ही कर रहे हैं और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी उसमें बदनाम हो गई। लेकिन 2008 में मालेगांव के धमाके के वक्त करकरे जो थे, करकरे ने ऑनेस्टली और पूरी सच्चाई के साथ इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने ढूंढ निकाला कि सिर्फ मालेगांव ही नहीं, जो भी पहले सब धमाके हुए हैं ये ब्राह्मणवादी लोगों ने किए हैं और आईबी की मदद से किए हैं। अगर करकरे और थोड़ा जिंदा रहते तो ब्राह्मणवादियों का देशद्रोही जो बुरा कट था उसे उखाड़ फेंकते थे, लेकिन ये इनको नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने 26/11 जो पाकिस्तान से एलईटी के लोग आ रहे थे उसकी पूरी जानकारी होते हुए उन्होंने वो जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी, बॉम्बे पुलिस को नहीं दी, वो अटैक होने दिया और उसी वक्त पैरेलल अटैक करके उसमें वो करकरे को मार डाला। ये तो क्लियर है और इस पर ये सब बातें रिकॉर्ड पे हैं। ये रिकॉर्ड पे होते हुए भी पूरी मीडिया और इंटेलिजेंस ये ब्राह्मणवादियों के हाथों में होने से उन्होंने लोगों पर इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट किया कि लोगों ने वो जो भी दिखाया जाता है उसे सच मानना शुरू किया। तो आज भी हमें लगता है कि आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आज एजुकेशन आ गया है, आज हर चीज़ें क्लियर हैं, तो ये हमें ब्राह्मणवाद अपने पर कब्जा नहीं कर सकते, अपने पर सर पर हावी नहीं हो सकते, ये गलत है। आज भी हम उनके ही अंडर काम करते हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था आज भी काम कर रही है। उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन अपने पास रखे हैं, मीडिया और दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए वो गवर्नमेंट पर अपना कब्जा करते हैं और मीडिया के जरिए आम जनता के दिमाग पर वो राज करते हैं। हमें लगता है ये सोशल मीडिया वगैरह फालतू है, इसका कुछ मतलब नहीं है। सोशल मीडिया से हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं? सोशल मीडिया से हम कम
ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग लाख लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया है जो पूरी ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखी है उससे वो करोड़ों लोगों तक एक दिन में पहुंच सकते हैं, एक मिनट में पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक कब्जा फिर भी आज अपने पर बना रखा है। मैं आप यहाँ कुछ पत्रकार होंगे और समझेंगे कि भाई हम सब पत्रकार बहुजन हैं तो मीडिया उनके हाथ में कहाँ है। पत्रकार होंगे बहुजन, उसमें 80-90% बहुजन होंगे, उसके मालिक जो हैं वो भी बहुजन हो सकते हैं, लेकिन जो एडिटोरियल स्टाफ जो है वो आज भी 98% ब्राह्मणवादियों के हाथ में है और वो जो चाहे वही छपते हैं, जिस तरह से छपना है उसी तरह से छपाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी उनके हाथ में है। तो इस तरह ये जाने अनजाने में हम आज भी उनके ही कब्जे में हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आज बहुत दिन बदल गए और हम उनसे बाहर निकल गए हैं, तो नहीं। अगर हमें आज जो 1893 में जो मुस्लिम द्वेष फैलाकर जो वोट लेते थे वो आज भी शुरू है, आज भी वही उनका ट्रंप कार्ड है। उनका अगर हुक्म का पत्ता कौन सा होगा तो मुस्लिम द्वेष ही है, और उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और मीडिया मीडिया का जो एडिटोरियल स्टाफ है कारण है। अगर हमें उनसे बाहर निकलना है तो आपको ये दो इंस्टीट्यूशन, एक तो IB और दूसरा मीडिया, ये अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं करते तब तक ये ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं हट सकती। तो आज इस एल्गार परिषद के इसमें हमें ये करना है, कसम लेनी है कि हम यहाँ से आगे कोशिश करेंगे कि मीडिया से ब्राह्मणों को हटा देंगे और इंटेलिजेंस में से ब्राह्मणों को हटा देंगे। जब तक ये नहीं हो सकता तब तक हम फ्री नहीं हो सकते, हम आज़ाद नहीं हो सकते। थैंक यू।